नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। पेश है आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। सभी खबरें सेलेक्टेड। पहली बड़ी खबर, नागरिकता संशोधन विधेयक को मिली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी, बना कानून। जी, आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को नागरिकता विधेयक 2019 को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह एक कानून बन गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार गुरुवार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही यह कानून लागू हो गया है। वहीं पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों का बड़ा ऐलान, अपने राज्यों में नहीं लागू करेंगे नागरिकता संशोधन विधेयक। जी, आपको बता दें कि 3 राज्यों पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों ने नागरिकता संशोधन विधेयक को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे अपने अपने राज्यों में लागू नहीं करने का ऐलान किया है। बता दें कि इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी मंजूरी दे चुके हैं, जिसके बाद अब यह एक कानून बन चुका है। वहीं महाराष्ट्र में भी नहीं लागू होगा नागरिकता संशोधन बिल, उद्धव सरकार में मंत्री बालासाहेब थोराट ने दिए संकेत। जी, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने नागरिकता संशोधन विधेयक को राज्य में लागू न किए जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की इस बिल के विरोध में जो भूमिका है, वही हमारी भूमिका है। वहीं नागरिकता कानून पर भाजपा पर बरसी शिवसेना, कहा दर्द देकर ये किस तरह की राजनीति। जी, आपको बता दें कि नागरिकता कानून को लेकर शिवसेना ने केंद्र को आड़े हाथों लिया। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी नया नागरिकता कानून लाकर यह दिखाना चाहती है कि वह हिंदुओं की इकलौती पालनहार है। केंद्र के इस कदम से पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा शुरू हो गई है, ऐसा दर्द देकर वह किस तरह की राजनीति करना चाहती है। वहीं राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान को लेकर संसद में हंगामा, स्मृति ईरानी ने की माफी की मांग। जी, आपको बता दें कि राहुल गांधी अपने रेप इन इंडिया वाले बयान को लेकर घिर चुके हैं। लोकसभा में बीजेपी महिला सांसदों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल कुछ दिनों पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दिया था। रेप घटनाओं का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि दुनिया अब भारत को मेक इन इंडिया नहीं बल्कि रेप इन इंडिया के नाम से जानती है। राहुल गांधी के इस बयान का काफी विरोध भी हुआ था। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि गांधी खानदान के शख्स का यह बयान शर्मनाक है। उन्होंने स्पीकर से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं संसद में हंगामे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि रेप इन इंडिया वाले बयान पर नहीं मांगूंगा माफी। जी, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि रेप इन इंडिया वाले बयान पर वह माफी नहीं मांगने वाले। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों और खास तौर पर लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ था। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे फोन में नरेंद्र मोदी जी की एक क्लिप है जिसमें दिल्ली को रेप कैपिटल बोला गया है, इसे मैं कुछ ही देर में ट्वीट कर दूंगा। पूर्वोत्तर में चल रहे विरोध प्रदर्शन से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी मेरे बयान का मुद्दा उठा रही है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि रेप इन इंडिया जैसा बयान देने वाले को लोकसभा में रहने का कोई हक नहीं। जी, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रेप इन इंडिया बयान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तरह के बयान ने न सिर्फ लोकसभा बल्कि पूरे देश को आहत किया है, ऐसे सदस्य को सदन में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं लोकसभा में विपक्ष बोला असम को नया कश्मीर बना रही सरकार। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ। जी, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल पर असम और पूर्वोत्तर की राज्यों में भड़की हिंसा पर लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी तकरार हुई है। विपक्ष ने सरकार पर असम और पूर्वोत्तर के राज्यों को कश्मीर बनाने और पड़ोसी देशों से संबंध खराब करने का आरोप लगाया है। जवाब में सरकार ने आरोप लगाया कि असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में भड़की हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ है। तनातनी के बीच कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके और वाम दलों ने वॉकआउट किया है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर संसद में हंगामा, लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। जी, आपको बता दें कि बीजेपी सांसदों ने, खासतौर पर बीजेपी की महिला सांसदों ने रेप इन इंडिया वाले बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग की है और सदन में नारेबाजी भी की। इसको लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ, जिसको लेकर लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं भारत बचाओ रैली, दिल्ली के साथ साथ विदेशों में भी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी, आपको बता दें कि कांग्रेस देश के साथ साथ विदेशों में भी अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने जा रही है। जहां एक तरफ शनिवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली है,
वहीं इस रैली के समर्थन में ओवरसीज कांग्रेस शनिवार विदेशों में भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन करेगी। वहीं नागरिकता कानून के विरोध का असर गुवाहाटी में भारत और जापान शिखर बैठक टाली गई। जी आपको बता दें कि नागरिकता कानून के खिलाफ पूर्वोत्तर में हो रहे हंगामे का असर भारत और जापान शिखर बैठक पर भी पड़ा है। इस कानून के खिलाफ असम में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गुवाहाटी में होने वाली भारत और जापान शिखर बैठक को टाल दिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून के बाद अब असम के लोगों में अल्पसंख्यक होने का डर। जी आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक से असम की राजनीतिक, भाषाई या भूमि से जुड़े अधिकारों को कोई नुकसान न पहुंचने के आश्वासनों के बावजूद वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि पूर्वोत्तर के इलाकों में यह कानून लागू नहीं होगा क्योंकि पूर्वोत्तर के ज्यादातर हिस्से इनर लाइन परमिट या संविधान की छठी अनुसूची के कारण नए कानून के दायरे में नहीं है। वहीं झारखंड चुनावी रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में हिंसा रोकने के लिए युवाओं से की भावनात्मक अपील। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के बाद पूर्वोत्तर राज्य में कुछ जगहों पर हुई हिंसा को रोकने के लिए गुरुवार को भावनात्मक अपील की है। रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर के युवा अपने इस सेवक नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखें, आपकी परंपरा, भाषा, रहन सहन, संस्कृति पर आंच नहीं आने दूंगा। वहीं नागरिकता बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता जयराम रमेश। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने उच्चतम न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ याचिका दाखिल की है। उन्होंने इस अधिनियम की वैधता को अदालत में चुनौती दी है। कांग्रेस ने संसद में ही अधिनियम को शीर्ष अदालत में चुनौती देने का संकेत दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि वह इस मामले को अदालत लेकर जाएंगे। वहीं धारा 370 नागरिकता बिल के बाद अब इन दो अहम मुद्दों पर फोकस कर सकती है मोदी सरकार। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार को दूसरे कार्यकाल में अभी 200 दिन भी पूरे नहीं हुए, लेकिन 196 दिनों में ही मोदी सरकार कई बड़े अहम फैसले ले चुकी है। 370 से लेकर ट्रिपल तलाक और अब नागरिकता संशोधन बिल तक मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। मोदी सरकार का अगला कदम जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड को लागू करना है। वहीं भाजपा संशोधित नागरिकता कानून के बारे में दिल्ली मुंबई में चलाएगी जागरूकता अभियान। जी आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नागरिकता संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद यह कानून बन गया। इस अधिनियम को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रही है, जिसकी वजह से भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी कानून की विशेषताओं और इससे होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। वहीं ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा निवेश के लिए प्रतिकूल माहौल बना रही सरकार, उद्योगपतियों में डर। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने निवेश के लिए प्रतिकूल माहौल बना दिया है। ममता ने कहा कि भारतीय उद्योगपति नियमित टैक्स के साथ साथ सीबीआई टैक्स चुकाने को लेकर भी चिंता में रहते हैं। यहां सीबीआई टैक्स से सीएम ममता बनर्जी का आशय है केंद्रीय जांच एजेंसी से क्लियरेंस पाना था। वहीं मोदी कैबिनेट के लिए जदयू की हां, वाईएसआर कांग्रेस भी हो सकती है शामिल। जी आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार झारखंड चुनाव के बाद और बजट सत्र के पहले संभव है। जदयू ने सरकार में हासिल होने के लिए हामी भर दी है तो वाईएसआर सीपी से इस संबंध में विचार विमर्श का सिलसिला शुरू किया गया है। इस बीच टीडीपी ने नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में वोट देकर भाजपा से संबंध सुधारने की पहल की है। हालांकि भाजपा फिलहाल टीडीपी को भाव देने के मूड में नहीं है। वहीं कांग्रेस एमएलए बोले, मध्य प्रदेश में लागू हुआ नागरिकता कानून और एनआरसी तो छोड़ दूंगा विधायकी। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद ने धमकी दी है कि यदि उनकी सरकार प्रदेश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी एवं नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करेगी तो वह विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक मसूद ने गुरुवार रात यहां संवाददाताओं से कहा कि मैं अपने नेताओं से स्पष्ट कहूंगा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से साहस दिखाया है, हमारी सरकार भी वह साहस दिखाए और नागरिकता संशोधन बिल तथा एनआरसी को खारिज करे। वहीं रोजगार देने के लिए सरकार ने देश भर में शुरू किया अभियान। दरअसल आपको बता दें कि जीएसटी जैसे विषयों को स्कूली छात्रों को पढ़ाकर भारत सरकार रोजगार देने का अभियान चला रही है।
देश भर में ऐसे नए पाठ्यक्रम के माध्यम से करीब 10 लाख स्कूली छात्रों को जोड़ा गया है। रोजगार के उद्देश्य से शुरू की गई यह शिक्षा स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। वहीं मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों पर मध्यम से भारी बारिश और हिमपात जारी रहने की उम्मीद है, जबकि पंजाब, उत्तर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में और तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश और हिमपात की आशंका है। असम, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश देखी जा सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी आएगी। हमारे देश के उत्तरी मैदानी इलाकों में मध्यम से घने कोहरे की आशंका है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसल के नुकसान की संभावना। जी हां, आपको बता दें कि मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 दिसंबर से मौसम बदला है। अगले 36 घंटों तक इन राज्यों में तेज बारिश के आसार हैं। बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। बारिश और ओले गिरने के कारण अधिकांश स्थानों पर दिन के तापमान में कुछ और गिरावट आएगी। दिल्ली में भी इसी तरह की बारिश का अनुमान है। आपको बता दें कि प्रदूषण से इससे राहत मिल सकती है। वहीं किसानों के लिए मुसीबत बनी बारिश, ओले पड़ने से मध्य प्रदेश और हरियाणा में फसलें बर्बाद। जी आपको बता दें कि कल देश भर के कई राज्यों में बेमौसम बरसात हुई। इस बरसात ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बेमौसम बरसात और ओले पड़ने से मध्य प्रदेश और हरियाणा में फसलें बर्बाद हो गई हैं। कल जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों के बड़े नुकसान की आशंका है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।